नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जाते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में इस समय दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये सरकार विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दूसरा रूप बताया है। शुक्रवार को पीएम के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, विश्वकर्मा पूजा भी है तो मैं समझता हूं वो भगवान के दूसरे रूप में हम लोगों के बीच विराजमान है। स्पेसएक्स ने 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए 4 लोगों को एक निजी उड़ान पर रवाना किया था। अब चारों लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। इन्हें फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन रॉकेट भी समुद्र में उतारा गया है। आज दिनांक 19 सितंबर 2021 को निरुपमा हेल्थ रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बेरी रोड रूपसपुर के प्रतिष्ठित होटल में ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी के माध्यम से संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर मोहंती के द्वारा हाई वेलोसिटी थ्रस्ट के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने सम्मिलित होकर इस कार्यशाला के दौरान इस नई तकनीक का ज्ञान लिया। इस तकनीक के माध्यम से गर्दन दर्द, कमर दर्द तथा रीढ़ से संबंधित दर्द के मामले में तुरंत दर्द से छुटकारा दिलाने में नई तकनीक है जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों के माध्यम से करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 25 सितंबर को होने वाली वार्षिक सभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। खबरों के मुताबिक बैठक 100 देशों के नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण बैठक को वर्चुअल ही आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए लेने के लिए आवेदन करने की तारीख शुक्रवार यानी 17 सितंबर को रात 12 बजे खत्म हो गई। इसके लिए 17 जून से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को शाम 7 बजे तक 57,000 आवेदन आए थे। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एयरलाइन कंपनियों के लिए पैसेंजर्स कैपेसिटी को 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। पिछले साल मई 2020 में सरकार ने कोविड के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू एयरलाइंस की क्षमता में 33% की कटौती की थी। पंजाब में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर नाराज कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर उनसे आई एम सॉरी अमरिंदर कहा जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रहे हैं और यही इसकी पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं ने अच्छा काम किया और उनको नौकरी देने का काम भी किया गया है। सरकार की तरफ से किए गए सुधार और विकास कार्यों का यही असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों में डेंगू के सेरोटाइप 2 मामले की उभरती चुनौती पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें डेंगू के बढ़ते मामलों के प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए। सेरोटाइप 2 डेंगू के मामले की रिपोर्ट करने वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, MP, UP, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना है। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी सिद्धू पर निशाना साधा है। भाजपा की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने निशाना साधते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है जहां रोजाना घुसपैठ, पाकिस्तान से अवैध हथियार और नशीली पदार्थ की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहार, ऑनलाइन नीलामी उनकी लगातार चल रही है। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को नागरिकों को उनके द्वारा प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, समय के साथ मुझे कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। बिजली उपकरणों का घरेलू बाजार सालाना आधार पर 12% की दर से बढ़कर 2025 तक $72 अरब पर पहुंच जाएगा। उद्योग के एक कार्यकारी ने यह जानकारी दी है। भारतीय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता संघ के अध्यक्ष अनिल साबू ने कहा कि अभी देश का बिजली उपकरणों का बाजार 48 से 50 अरब डॉलर का है। योगी सरकार के आज यानी 19 सितंबर को 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस बाबत BSP अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM मायावती ने रविवार को ट्वीट जारी किया है। मायावती ने कहा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन और दावे अधिकांश हवा हवाई और जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। इनकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण खासकर यहीं से बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि से जनता की बदहाली जग जाहिर है।
जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने के 75 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी कुछ सड़कों, पुलों, कॉलेज, खेल के मैदान, अस्पताल, कई अन्य विकास योजनाओं का नाम उन लोगों के नाम पर रख रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परिचालन में आने के बाद केंद्र को हर महीने 1000 से 1500 करोड़ रुपए का पथकर यानी कि टोल राजस्व देगा। इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस वे के 2023 में परिचालन में आने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीन की 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जाने और अन्य दिनों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम रहने का हवाला देते हुए रविवार को सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि अब इवेंट खत्म हो चुका है। देश में कोरोना वायरस के मामले में कमी को देखते हुए 1.5 साल में पहली बार भारत जल्द ही विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। साथ ही अतिथियों और विमानन क्षेत्रों में नई जान डालने की कवायद में पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीजा जारी किए जाएंगे। कारगिल युद्ध का पासा पलटने वाले पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले मिराज के बेड़े में 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू लाने वाली है। भारतीय वायुसेना 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने के प्रयास में दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान का अधिग्रहण करने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की अब तक 78.58 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा 1.16 करोड़ से अधिक खुराक जल्द भेजे जाने की तैयारी है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 5.16 करोड़ खुराक उपलब्ध है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को एनएसओ रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से पूछा कि कैसे 3 महीने में किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि मंत्रालय को पूरे देश में आयुष आहार को बढ़ावा देना चाहिए। सोनोवाल ने कहा कि इससे युवाओं को जंक फूड की बीमारियों से बचाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30,773 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,34,48,163 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 38,945 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 3,26,71,167 पहुंच गई। वहीं 309 लोगों की जान गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यूएई में शुरू हो रहे दूसरे चरण के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले पहले मैच से पहले एक बड़ी खबर साझा की है। दरअसल यूएई के शारजाह स्टेडियम आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में होने वाले मैच में 16 साल से कम उम्र के क्रिकेट फैंस की एंट्री नहीं होगी। विवेक ओबरॉय अभिनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एंट्री होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा है कि मैं अपनी प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान करता हूं। यह एक सम्मान की बात है कि मुझे सिनेमा के माध्यम से दुनिया को उनकी कहानी बताने का मौका दिया गया है। भारतीय डाक विभाग ने यूपी सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 4,264 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन यानी कि 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 22 सितंबर 2021 तक चलेगी। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऐप post.in/gds-online पर पंजीकरण कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का टीकाकरण संबंधी रणनीतिक परामर्श विशेषज्ञ समूह भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किए जाने पर अपनी सिफारिशें देने के लिए अक्टूबर में बैठक करेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 115 देशों की नदियों का जल आया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 115 नदियों का जल आने पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का अद्भुत उदाहरण है और हमेशा याद रहेगा। ये जल निर्माण के समय धरती माँ को समर्पित कर दिया जाएगा। कोविड 19 के माहौल के बीच मायोपिया के नए मामले की दर बच्चों के बीच 2019 की तुलना में दोगुनी हो गई है। ये खुलासा किया है सुन यात्सेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। उनका मानना है कि कोविड 19 की वजह से लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे महामारी के दौरान वर्चुअल क्लास ने बच्चों की आंख को नुकसान पहुंचाया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की और उनके आवास पर मुलाकात की। इसे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता की कवायद माना जा रहा है। तेजस्वी यादव शनिवार से रांची में ही हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, उमेश यादव, राघव पासवान, प्रहलाद जोशी, मोहम्मद इरफान, पूजा कुमारी, कमलेश कुमार, रूपेश कुमार, कृष्ण कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, अविनाश कुमार, चंचल सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए आने वाले समय में देश में पर्व त्यौहार के आयोजन की अनुमति देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।